और ब्राह्मण ने सदैव सबके साथ लेके चले हैं इस भावना के साथ कि देश का कैसे विकास हो और देश के विकास। राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में 1 और 2 मार्च को आयोजित होने वाले अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चौमू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में 24 राज्यों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में कई सत्रों का आयोजन होगा जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद मिश्रा ने सभी संगठनों को एक करने की आवश्यकता जताई। वहीं जयपुर जिला देहात अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने जयपुर देहात से 1000 लोगों के महासम्मेलन में शिरकत करने का दावा किया है। इस अवसर पर कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। देखिए, अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में बिड़ला सभागार में 1 और 2 मार्च को आयोजित किया जा रहा है और देश भर के समाज के प्रतिनिधि इसमें एकत्रित हो रहे हैं। 24 राज्यों से अधिक राज्यों की सहमति अब तक आ चुकी है और पहली बार जयपुर में इस प्रकार का एक बड़ा भव्य आयोजन जयपुर के बिड़ला सभागार में सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से समाज में चेतना है, साथ ही ब्राह्मण समाज किस प्रकार से देश हित में काम कर सकता है। देश हित में आज़ादी के पहले भी ब्राह्मणों ने संघर्ष किया और आज भी संघर्ष कर रहा है। ब्राह्मण समाज का ये सदैव मन रहता है कि सबका हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की और सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ में ब्राह्मण समाज सदैव सबको आगे लेके साथ चलता है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी करेंगे और राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जी, सांसद रामचंद्र जी बोरा और कैलाशानंद जी ब्रह्मचारी जो बहुत बड़े संत हैं वो हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सभी संत महंत और सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष, महामंत्री और जयपुर देहात से भी बड़ी संख्या में इस बार हमारे इस कार्यक्रम में लोग सम्मिलित होने के लिए आए। आज मैं चौमू में महासभा के कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ और इनसे चर्चा करके हम लोगों ने तय किया है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ से वहाँ पहुँचे। किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, ब्राह्मण प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना किस प्रकार से हो और ब्राह्मण संगठन होगा तो सर्व समाज का मार्गदर्शन होगा, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी अपने हित की बात नहीं करता, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। जन्म मरण पर्ण की बात करता है तो सबको साथ लेके चलने की बात करता है, तो उसमें कुछ कुरीतियाँ हैं तो उनको दूर करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे और सब लोग सामूहिक रूप से देश हित में क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इन सभी संगठनों को एक मंच पे लाने का प्रयास करें।